कहीं खुशी कहीं गम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एक एक पाले में एक दल में बीजेपी में जहां खुशी है तो वही कांग्रेस में हार को लेकर चिंतन भी जारी है। छत्तीसगढ़ में मिली बड़ी करारी हार के बाद कल दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक होने जा रही है और इसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और कई दिग्गजों को बुलाया गया है। बैठक में हार की समीक्षा के साथ नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी में संगठन स्तर के बदलाव लोकसभा चुनाव के बाद होंगे। बता दें कि देश में अप्रैल से मई के महीने में लोकसभा के चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, 11 में से 9 सीटें बीजेपी के पास ही हैं, तो वही बस्तर और कोरबा लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है। फिलहाल कांग्रेस की ये कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ में इन सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और जो बची हुई 2 सीटें हैं वो भी अपने नाम की जाए। तो एक तरफ बीजेपी गदगद है तो दूसरी तरफ कांग्रेस चिंतन और मंथन के दौर में अब शुरू हो चुका है। उनकी पार्टी में, उनके दल में, उसमें मशगूल है। कल ये चिंतन बैठक होनी है जिसमें तमाम कांग्रेस के आला नेता मौजूद रहेंगे। कोशिश ये की जाएगी कि क्या हार के कारण थे उसको समझा जाए, उस पर काम किया जाए ताकि कम से कम लोकसभा चुनाव में पार्टी बेहतर स्थिति में आ सके, क्योंकि पार्टी 75 प्लस का टारगेट लेकर चल रही थी लेकिन एकाएक पार्टी की स्थिति कुछ इस तरह से बदली कि 75 तो छोड़िए 35 पर पार्टी सिमट गई। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को कि उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतर पाए, यहाँ तक कि बहुमत का आंकड़ा जो था उसे भी वो नहीं ला पाए। ऐसे में बीजेपी का जो अंडरकरंट जिसकी बार बार बात होती है उस पर भी जरूर पार्टी मंथन करेगी कि क्या वजह थी कि उसको समझ नहीं पाए वो। और इस बीच हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका रहा छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है, ऐसे में अब चिंतन और मंथन का दौर जारी है। क्या माने इस चिंतन मंथन से कुछ बाहर निकलेगा, कुछ बदलाव होंगे, कुछ सुधार होगा, या फिर ढाक के 3 पात की जो स्थिति है वही हो जाएगी? कांग्रेस की हार के बाद रायपुर से लेकर दिल्ली तक के चिंतन मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस के दम नेता हैं वो दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समीक्षा करेंगे इस बात की कि कैसे जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई, क्योंकि ये माना जा रहा था कि कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें छत्तीसगढ़ में मिलेंगी, लेकिन जब परिणाम आए तो अप्रत्याशित निकले कांग्रेस के लिए। और अब इसका विश्लेषण जो है वो लगातार किया जा रहा है। कई कारण जो है वो बताए जा रहे हैं कि मातारी बंधन को लेकर अंडर करंट रहा, या किसानों का साथ उस तरह से नहीं मिल पाया जैसा कांग्रेस उम्मीद कर रही थी, या सामाजिक समीकरण साधने में कांग्रेस नाकाम रही। कई ऐसे विषय जो है वो बताए जा रहे हैं। अब उन्हीं विषयों को इस बात को समीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से बताने की कोशिश होगी कि आखिर कौन कौन से कारण रहे कि कांग्रेस को उतने वोट नहीं मिल पाए जितनी उम्मीद थी, जितनी सीटों की उम्मीद थी वो नहीं मिल पाए। तमाम बातें जो है वो समीक्षा जब कल होगी तो निकल कर सामने आएगी। साथ ही साथ कुछ अंतरकलह की स्थिति भी बनेगी, क्योंकि कई तरह के जो आरोप है, कई तरह की जो बयान है वो सामने आने लगे। अमरजीत भगत का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सब अपने अपने चलाने में लगे रहे, इस वजह से हार हो गई। तो इन तमाम बातों पर कल दिल्ली में चर्चा होगी। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है गौरव। जिस तरह से अमरजीत भगत का बयान कर आया था कि सब अपना अपना चला रहे थे जिसकी वजह से ये जीत बीजेपी को मिली और कांग्रेस को हार मिली है, आगे इस पर किस तरह से पार्टी निर्णय लेती है ये इस पर आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।